इमाम हुसैन के जुमले करबला के मैदान में, अगर मुसलमान नहीं बन सकते तो आजाद इंसान बने। अगर तू मुसलमान नहीं है तो इंसान तो है। इंसानियत कहती है कि 6 महीने के बच्चे को पानी दिया जाए। फरमाया हुसैन अली असगर को इसीलिए ले गए ताकि दुनिया को बताएं जो हुसैन के मुकाबले में आए थे वो इंसानियत से भी गिर चुके थे। कुछ भी ना हो, अगर मैं तुम्हारी नजरों में मुसलमान नहीं हूं तो हुसैन तुम्हारी नजरों में इंसान तो है। क्या कोई 6 महीने के बच्चे पे पानी बंद करता है? लेकिन ये वो सिस्टम है, एक सिस्टम। सुफियानी क्यों कहते हैं आप कि खुरूज इमाम जमाना से पहले खुरूज सुफियानी होगा? सुफियानी उस सिस्टम की सोच है। तो बच्चों को मारा, बच्चियों को मारा, कत्ल की, गारत की, इस सिस्टम में जुल्म है। अगर ये सिस्टम हुकूमत पे आ जाता है, अगर रसूल खुदा को वो फरमान, अगर इनके 40 लोग भी हुकूमत पे आ जाए, ये फिस्क फुजूर फैलाएंगे। यमन में 24,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। जुल्म का सिस्टम, और फरमाया इसके मुकाबले में हुसैनियों का सिस्टम है। मर्द आजाद बन। अगर कहीं पर मजलूम है तो ये मत देखना वो शिया है, सुन्नी है या मसीही है। तू हुसैन का चाहने वाला है, तुझे ये देखना है वो इंसान है कि नहीं है। जहां जहां वो चाहने वाला हो या जहां जहां जुल्म हो रहा हो, ऐशियो आवाज बुलंद करना। फिलिस्तीनी शिया नहीं आए, पर फिलिस्तीनियों की अगर कोई हिमायत करता है तो वली का चाहने वाला शिया करता है। यही तो पता चलता है ना, मुश्किलात में कौन सुबाते कदम में रहता है। आज के यजीद का मानने वाला अहले बैत के चाहने वालों को जितना मानता है, दाइश उस सिस्टम की पैदावार है, तालिबान उस सिस्टम की पैदावार है। जिंदा जिंदा आदमी को जलाया जाए, जिंदा जिंदा वीडियो बनाई जाए, सिस्टम तो भी बाकी है ना। जो अहले बैत के चाहने वाले के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, सोचो अगर ये दाइश करबला में होती क्या करती। जो चाहने वालों का ये हाल करे वो खुद अहले बैत का क्या हाल करेंगे। ये वही सिस्टम है जो यमन में बच्चों को मार रहा है, ये वही सिस्टम है जो लोगों के गले काट रहा है, ये सिस्टम है जो फिस्क फुजूर को फैला रहा है। ये जंग थी कि तू लानत भेज, यही मकसद ज़ियारत आशूरा था कि 100 मरतबा अपने बच्चे को सिखा कि कहीं तू सिस्टम का हिस्सा ना बन जाए, जुल्म का हिस्सा, फिस्क फुजूर का हिस्सा, दुनिया तलबी, शोहरत तलबी का हिस्सा तू न बन जाए। अगर वो हिस्सा तेरे अंदर आए, इसका मतलब उस सिस्टम की छोटी निशानियां तेरे अंदर भी हैं। तो 100 मरतबा इजहार बराअत कर ताकि खुदा तुझे उस सिस्टम से निकाले और नूर की वादियों में डाल दे। ये सिस्टम है। तालिबान कहां से बना, अलकायदा कहां से बने, ये नौजवान बच्चे जो कातिल बने जिहाद के नाम पर किसने बनाए, ये सिस्टम बना रहा है। लेकिन एक सिस्टम है, दीन का सिस्टम, ईमान का सिस्टम। कहे मोमिन तवल्ला और तबर्रा का मतलब यह है, तू मुकाबला कर सिस्टम से। जो फैक्ट्री यजीद बनाती है, जो फैक्ट्री शिमर बनाती है, जो फैक्ट्री दाइश बनाती है, तू उस फैक्ट्री को खत्म कर। तो है इंसान, तवल्ला का मतलब यह है, तू वो इमेज बना जो हुसैन ने बताई है।